हेलो बच्चों, मैं आलोक श्रीवास्तव फ्रॉम आशीष क्लासेस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप आपको काफ़ी समझ में आएगा। इस चैप्टर में मैंने चार्ज जो सब्जेक्ट है उसको बहुत डीपली समझाया है ताकि आपको वो चीज़ हाईलाइटेड रहे और आपको समझ में आ गया है। चलिए आइए देखते हैं आज का चैप्टर, ठीक है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर वन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक। सो अब देखिए, इसमें कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उसके छोटे छोटे टॉपिक करने क्लियर करते चलेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो बेसिक फंडामेंटल है वो है व्हाट इज़ द चार्ज, क्वेश्चन है। तो उसके लिए फर्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। वो अब इलेक्ट्रिक चार्ज समझाने के लिए चार बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। देयर आर थ्री फोर पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। तो जो अट्रैक्शन या रिपल्शन वाली चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, वो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड चीज़ है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कई टाइप की होती है, इंडक्शन से भी होती है, कई तरीके से होती है, मैग्नेट से भी होती है, तरह तरह की चीज़ें होती है। तो हम लोग किस बात के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इसको। फिर थर्ड टॉपिक जो है हमारा है चार्ज, व्हाट इज़ द चार्ज, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट है चार्ज मटेरियल। अब मटेरियल पे बेस्ड होता है चार्ज, एक मटेरियल में चार्ज किसी प्रकार का होता है, दूसरे में किसी प्रकार का होता है, एक्सपेरिमेंट बदल लेते हैं तो तीसरे चौथे प्रकार का हो जाता है, दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो ये चार टॉपिक फिर से दोहराते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब वे पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से चार्ज हम लोग डेवलप कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। फिर थर्ड चीज़ है कि उससे क्या होता है एक्सपेरिमेंट से, तो चार्ज आता है तो चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। मगनका। फोर्थ टॉपिक है चार्ज मटेरियल। चार्ज मटेरियल में हम लोग क्या पढ़ने, जो मटेरियल हम लोग चार्ज कर लेते हैं मतलब चार्ज हो जाता है उसको क्या कहते हैं, चार्ज मटेरियल कहते हैं। मगनका। अब देखिए, शुरुआत में जब हम लोग को नहीं पता था चार्ज तो यूनानी फिलोसोफर थेल्स थे। तो वो करीब 2500 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने क्या करा, अंबर नाम का एक पदार्थ होता है, कपड़े जैसा होता है या सिल्क जैसा होता है, जैसा भी वो रबर टाइप का होता है, तो उसको अंबर को लिया और उस और एक वुडन पीस लिया। वुडन पीस का मतलब लकड़ी का टुकड़ा लिया, और अंबर जब अंबर रब्ड विद वुड तो उन्होंने क्या देखा, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, तो प्रॉपर्टी आई इट अट्रैक्ट लाइट बॉडीज। लाइट बॉडीज में कैसे, जैसे लाइक पीस ऑफ पेपर एंड स्ट्रॉस, ठीक है, कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, तो या फिर स्ट्रॉस छीलन होती हैं जो डिफरेंट टाइप की, तो वो चीज़। तो उन्होंने देखा जब अंबर और वुड को हमने रब किया तो बाद में क्या हो गया, बाद में ये हो गया कि उसमें प्रॉपर्टी गेन हो गई, चार्ज हो गई, अंबर चार्ज हो गए। तो कैसे पता चलेगा अंबर चार्ज है, तो उन्होंने क्या करा, जब रब्ड करने के बाद क्या करा, उन्होंने देखा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े थे उसको पास में रखा तो वो पास सरक आए, मतलब एकदम से जैसे चुंबक लगाओ। फिर स्ट्रॉज रखे उन्होंने, छीलन रखी, प्लास्टिक की छीलन, लकड़ी की छीलन, तो वो भी ऐसे अट्रैक्ट हो गई। तो इस तो इंसिडेंस क्या हुई, प्रॉपर्टी गेन कर ली। किसने गेन कर ली, अंबर ने गेन कर ली, ठीक है। तो अंबर ने जब गेन कर ली तो इस एक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन आई, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन डेवलप जब हो गई तो लाइट बॉडीज प्रॉपर्टी ने क्या क्या किया, उसने पीस ऑफ पेपर्स और स्ट्रा को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। अब फिर उसके बाद काफ़ी इनके उससे पहले 1600 साल पहले क्या हुआ था, 16 साल पहले गिलबर्ट थे, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने अंबर
अम्बर एंड अदर मटेरियल्स लाइक ग्लास, एबोनाइट, सल्फर एट्सेट्रा, काफ़ी सारे मैटर पे एक्सपेरिमेंट करा, और जब उन्होंने इन मटेरियल को अम्बर के साथ रगड़ के देखा, जैसे उन्होंने वुड को करा था थेल्स ने, इन्होंने क्या करा, अम्बर ही लिया लेकिन बहुत सारे मटेरियल यूज़ करे, ग्लास यूज़ करा, एबोनाइट करा, सल्फर करा, तो उन्होंने देखा फिर वही वही चीज़ प्रॉपर्टी गेन होती है। क्या प्रॉपर्टी गेन होती है? रब्ड विद लाइट बॉडीज, उन्होंने देखा फिर वही प्रॉपर्टी गेन हो जाती है जैसे अभी तक उन्होंने वुड से करा था तो पेपर वेपर अट्रैक्ट होने लगे थे, अब उन्होंने ग्लास से करा तो अंबर का जब ग्लास से करा तो पहले तो वुड की बात तो नहीं उन्होंने डिस्कस करी, लेकिन ग्लास से जब उन्होंने अंबर को रगड़ा तो ग्लास में क्या प्रॉपर्टी आ गई, वो लाइट बॉडीज अट्रैक्ट करने लगी। इसी तरह एबोनाइट को जब अंबर से रगड़ा तो भी वो कहते हैं लाइट बॉडीज अट्रैक्ट करने लगी, सल्फर से उन्होंने रब करा तो भी लाइट बॉडीज अट्रैक्ट करने लगी, तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट गेन कर लिया उन्होंने। तो जब अब इन्हीं गिल्बर्ट की बात हो रही है, अंबर एंड अदर मटेरियल्स ग्लास, एबोनाइट, सल्फर जब रब्ड विद लाइट बॉडीज दे एक्वायर्स अंबर जो है, अंबर में या ग्लास एबोनाइट में, इनमें क्या एक्वायर्स कर गई, एक्वायर्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट लाइट बॉडीज, वही जो हम बता रहे थे वही हमने लिख के बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो एक्सपेरिमेंट हो गए, तो अब इसमें से चार टर्म जो है, फोर टर्म्स हमको डिफाइन करने हैं। डिफाइन क्या करने हैं, मतलब आगे अगर हम अभी डिस्कस कर लेंगे तो आगे आपको पढ़ने में या समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फाइट। इलेक्ट्रिक फाइट क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक फाइट होता है द अट्रैक्टिंग गेनिंग प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फाइट मतलब आपने जब इसको रब करा तो ये अट्रैक्टिंग गेनिंग प्रॉपर्टी इसने डेवलप एक्वायर कर ली, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस वे ऑफ प्रॉपर्टी या पूरे मेथड को क्या कहते हैं, मतलब अट्रैक्टिंग पावर गेन करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाई, इलेक्ट्रिक फाइट। अभी कोई अंबर या ग्लास की रॉड है वो ऐसे न्यूट्रल पड़ी है, जैसे ऐसे पड़ी है तो उसमें प्रॉपर्टी नहीं गेन हुई, तब वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, लेकिन जब आपने रब कर दिया और उसको टच कराया पेपर से तो वो इलेक्ट्रिफाइड हो गई। जब वो अट्रैक्ट करने लगी कागज के पीस तो क्या हो गई, इलेक्ट्रिफाइड हो गई। तो इलेक्ट्रिफाइड वर्ड क्या बताता है, द अट्रैक्टिंग गेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक। अब टर्म है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कॉज। कॉज का मतलब कारण, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इसमें क्या कारण है, फ्रिक्शनल है, रब कर रहे हैं इसको, वो कहते हैं पंखा नहीं चला रहे या बल्ब नहीं जला रहे, उसको दो चीज जैसे अंबर और वुड को रब करा है, तो ये जो कॉज है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब दो चीज़ों को आपने रब करके मैटर चार्ज करा हुआ। तो द टास्क एंड वे बाय विच द मटेरियल चार्ज, तो ये बात जिससे हमको इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल मिल जाता है और वो तरीका जिससे हम ये चार्ज मटेरियल प्राप्त करते हैं या गेन करते हैं, उस कॉज को, उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होती है, कॉज होती, कॉज, ठीक। टर्म है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं किसी रिस्पेक्ट में, कुछ डेफिनेशन का मतलब किसी का, लेकिन एटलीस्ट वन मतलब तो हमको समझ में आ गया कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कॉज है, द टास्क एंड वे बाय विच द मटेरियल चार्ज, ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इंसीडेंस, घटना क्या है, इंसीडेंस घटना क्या है, द मटेरियल इज सेड टू हैव चार्ज, मतलब घटना क्या है, किसी मटेरियल द्वारा न्यूटर है उसको हमने इलेक्ट्रिफाइड करा बाय फ्रिक्शनल, तो उसने चार्ज, उसमें चार्ज आ गया, अट्रैक्शन पावर आ गई, तो उसको क्या कहेंगे, इंसीडेंट। तो चार्ज को गेन करने की जो इंसीडेंस है उसको चार्ज गेन करने की जो मटेरियल, द मटेरियल इज सेड टू बी हैव चार्ज। अगर कोई मटेरियल न्यूट्रल है तो वो इससे संबंधित नहीं है, जब वो चार्ज हो गया तो उस घटना को इंसिडेंस कहते हैं। तो ये घटना वैसे बोलने में तो
अलग अलग मालूम चल रहा है, लेकिन द मटेरियल इज सेट टू हैव चार्ज, मटेरियल के द्वारा चार्ज को रखने की घटना को इस चैप्टर में इंसिडेंट इंसिडेंस है। ठीक है, तो इंसिडेंस ऑफ थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफिकेशन या फाइड कुछ भी बोल लो, तो इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रीफाइड मतलब द मटेरियल इज सेट टू हैव द चार्ज, जब मटेरियल चार्ज रखता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रीफाइड करा गया है। ठीक है, वे उसका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब फोर्थ टर्म है चार्ज मटेरियल। चार्ज मटेरियल जब आपसे कहा, मटेरियल जब कहा जाएगा तो उसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल। चार्ज मटेरियल मतलब इलेक्ट्रीफाइड मटेरियल, मतलब वो किसी वे से उसमें चार्ज आ गया है, अक्वायर करा है, तो वो चार्ज के साथ जो मटेरियल है उसको कहेंगे चार्ज मटेरियल, और या फिर आप कह लीजिए इलेक्ट्रिकफाइड मटेरियल, वाइस वर्सा दोनों का मतलब एक ही है, मतलब चार्ज वो रख रहा है तो चार्ज मटेरियल है, या फिर आपका इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल है, दोनों का मतलब शाब्दिक अर्थ हो गया। तो ये चार टर्म जो है, जैसे इलेक्ट्रिकफाइड, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रीफाइड ऑफिकेशन या इलेक्ट्रिकफाइड या चार्ज मटेरियल, तो थोड़े थोड़े हमने बता दिए, तो आपका ये आगे आपको सहायता करेंगे। ठीक है, अब ये टॉपिक यही ख़त्म करते हैं, ये तो हिस्ट्री हिस्टोरिकल हो गया, हिस्ट्री से संबंधित हो गया। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चार्ज तो हमने समझ लिया कि फ्रिक्शनल बाय फ्रिक्शनल वे हम सब गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद रिजल्ट पे आते हैं। तो सेकेंड टॉपिक है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, तो अब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने तीन एक्सपेरिमेंट करे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर वन और एक्सपेरिमेंट नंबर टू और एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री, और थ्री एक्सपेरिमेंट से हम जो रिजल्ट, तीन रिजल्ट हैं हमारे, रिजल्ट वन टू थ्री, तो इतना सफिशियंट है चार्ज को समझने में। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, टू ग्लास रॉड्स रब्ड विद सिल्क एंड ब्रॉड क्लोजर। आपने दो ग्लास रॉड ली, इस तरह की ली, थोड़ी छोटी ली ऐसे, और एक ऐसे रॉड ली। अब उसको करा क्या आपने, ग्लास रॉड पहले तो न्यूट्रल थी, अब उसके बाद उसको सिल्क के कपड़े से, जो रेशम का कपड़ा होता है, उससे अच्छी तरह से पोंछ लिया, रब कर लिया, और उसके बाद दो ग्लास रॉड ली, मतलब दो ग्लास सेम ली और दोनों को सिल्क से रब करके दोनों को नियर ब्रॉड क्लोजर, दोनों को पास रख दिया। तो उसमें क्या हमको रिजल्ट मिला, उसमें देखा हमने कि दे रिपेल इच अदर, मतलब ऐसे आपने रखी, ऐसे रखी तो वो ऐसे फोर्स उसमें इधर की ओर लगेगा, मतलब रिपेल कर रही। तो ये जो इंसिडेंस हुई उसमें दो बातें ध्यान देनी है, पहले तो बाय मटेरियल, दो ग्लास रॉड का मटेरियल सेम है, देखिए ग्लास रॉड है। ठीक, तो ग्लास रॉड ड्रॉप करके आई, फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज। तो ये ग्लास रॉड सिल्क से रब करी गई, और ग्लास एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये ग्लास मटेरियल का फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज हमको मिल गया, मतलब इसको हमने, ये जो रिपल्सन चार्ज जो भी घटना है उसको हमने कहा कि ये फर्स्ट टाइप का चार्ज हो गया इसमें, क्योंकि दोनों रॉड किस तरह की हैं, ग्लास की है, अलग अलग मटेरियल की नहीं है, तो दोनों का चार्ज जो जैसा चार्ज इसमें है वैसा ही चार्ज इसमें होएगा, ये तो कंफर्म हो गया ना, तो इसीलिए कह रहे हैं इसको फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज करा चार्ज का। अब ये दो चार्ज नहीं है कि यहाँ कोई और चार्ज हो, यहाँ कोई और चार्ज हो, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, मतलब ये भी ग्लास रॉड सिल्क से रब करके आई है, ये भी सिल्क से रब करके आई है, तो इसमें यहाँ कोई चांस नहीं है कि दोनों के चार्ज अलग हो, दोनों के चार्ज सेम टाइप है, तो इसको क्या लिखेंगे, सेम टाइप। ये चार्ज कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, सेम टाइप चार्जेस हैं। ठीक है, मान लो इसका नाम कुछ राम हो तो ये भी राम चार्ज है, इसका नाम श्याम हो तो ये भी श्याम चार्ज है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब एक्सपेरिमेंट टू लेंगे, एक्सपेरिमेंट टू में क्या करेंगे, अब इन्होंने कहा कि टू एबोनाइट रॉड्स रब्ड विद कैट स्किन आर ब्रॉड क्लोजर। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बदल दिया, क्या बदल दिया,
देखिए अब इन्होंने टू एबोनाइट्स रॉड ले ली और उसमें एक दोनों को कैट स्किन से रब करा, ठीक। अब मटेरियल दूसरा है, ग्लास रॉड को सिल से करा था लेकिन यहाँ पर एबोनाइट चार्ज रॉड भी बदल दी और रेशम का कपड़ा भी नहीं लिया, कैट स्किन ली, ठीक। तो अब जो चार्ज रॉड आई तो उन्होंने क्या करा, दे ऑल्सो रिपेल। अब इन्होंने देखा कि एबोनाइट चार्ज भी रिपेल कर रही, तो अब इन्होंने ये लिखा कि बाय मटेरियल एबोनाइट, मटेरियल तो एबोनाइट है दोनों में, तो मटेरियल क्या है, सेम है, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम मटेरियल की है, इधर भी सेम मटेरियल था, इधर भी मटेरियल सेम था, तो मटेरियल तो सेम है लेकिन इस बार भी रिजल्ट क्या मिला, वे ऑफ रिपल्शन मिला, अट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी गेन क्या करी, रिपेल की प्रॉपर्टी गेन करी, अट्रैक्शन अट्रैक्शन ही और रिपल्शन की हुई, फिर उन्होंने ऐसे रखा तो फिर वो रिपेल करने लगी। तो लेकिन इन्होंने इसको कहा सेकेंड टाइप का चार्ज है, क्या कहा, बाय मटेरियल एबोनाइट बट सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज, इस चार्ज को इन्होंने कहा कि ये सेकेंड टाइप, हम इसको सेकेंड टाइप कहेंगे, क्यों सेकेंड टाइप कहेंगे, इसलिए कि इन दोनों में किससे सेकेंड टाइप, देखिए फिर हम बता रहे हैं, ये एबोनाइट है कैट स्किन से रब करी गई है, ये एबोनाइट है ये भी कैट स्किन कैट से करी गई है, तो कहने का मतलब इस पे जो चार्ज होगा, दोनों में चार्ज क्या होगा, चार्ज दोनों में सेम चार्ज होगा लेकिन वो सेकेंड टाइप होगा, अदर किसी अदर से सेकेंड टाइप का होगा, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, अब इन्होंने कहा कि ये सेकेंड टाइप, हम इसको सेकेंड टाइप कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्सपेरिमेंट के अपेक्षा, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब इतना क्लियर हो गया, ठीक, मतलब कि ये सेम टाइप चार्ज आए दोनों में लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है, इसलिए इसको सेकेंड टाइप चार्ज मानेंगे, ठीक। मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज है वो ग्लास एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट है, ठीक। मतलब कि अगर यहाँ अगर मान लो सोहन चार्ज है तो यहाँ पर श्याम चार्ज है, दोनों में फर्क है। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट थर्ड करा, एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या होता है, वन ग्लास रॉड, नहीं एक्सपेरिमेंट थर्ड जब करा तो उन्होंने कहा क्या, भगन का फर्स्ट ग्लास रॉड लिया बगना, तो इन्होंने एक ग्लास रॉड ली जो कि रब्ड विद सिल्क से रब करी हुई थी, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज ली, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रॉड ली, और एंड फर्स्ट ए वन एबोनाइट रॉड ली। अब एबोनाइट जो चार्ज थी वो रब्ड विद कैट स्किन, तो जो ये यहाँ जो लिया गया वो सेकेंड टाइप का चार्ज लिया गया, ठीक, फर्स्ट टाइप का चार्ज से सेकेंड टाइप का चार्ज लिया गया। आर ब्रॉड क्लोजर, अब क्या करा उन्होंने, चार्ज ग्लास रॉड ली और उसको पास रखा एबोनाइट के, तो ये फर्स्ट टाइप का चार्ज था, ये सेकेंड टाइप का चार्ज था, अलग अलग थे लेकिन उन्होंने देखा क्या, कह रहे कि दीज रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर, अब की बार इनको रिजल्ट डिफरेंट मिले, अब की बार वो अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन वो दोनों अट्रैक्ट करने लगी। तो अब इन्होंने क्या शो करा, इन्होंने एक रिजल्ट दिया, क्या रिजल्ट लिया, रिजल्ट ये आया, दीज रिजल्ट शोज दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, इन्होंने कहा कि इन एक्सपेरिमेंट ये बताते हैं कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ग्लास टाइप का चार्ज हो गया, दूसरा एबोनाइट का चार्ज हो गया, मतलब कि पहला जो एक्सपेरिमेंट में फ्रिक्शन करा गया था वो दूसरे मैटर से था और दूसरे में करा गया वो पहले से डिफर था, तो पहले एक्सपेरिमेंट का चार्ज हमने प्लस मान लिया, दूसरे चार्ज माइनस मान लिया, तो फर्स्ट टाइप चार्ज जो कि ग्लास
एक्सपेरिमेंट से था उसको पॉजिटिव इन्होंने कह दिया, और सेकेंड टाइप चार्ज को क्या कह दिया, निगेटिव कह दिया। ठीक, ये नेमिंग है। हो सकता था कि उनके नॉमिनेशन में क्या होता, नॉमिनेशन मतलब वो इसको निगेटिव कह देते, इसको भी फर्स्ट टाइप को भी वो निगेटिव कह देते, लेकिन तब क्या होता है, तब ये पॉजिटिव हो जाता। समझ में आया? अभी यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या, इन्होंने डिफरेंट कह दिया कि फर्स्ट टाइप को हम पॉजिटिव कहेंगे, दूसरे को निगेटिव कह दिया। ठीक है, वो इस बेसिस पे कहा होगा कि पहला रिपेल करता है और दूसरा अट्रैक्ट करता है, तो उन्होंने रिपेल को पॉजिटिव बता दिया, नहीं रिपेल को पॉजिटिव नहीं बताया। देखो क्या करा उन्होंने, खैर इसको बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टर्म्स वर्ड जो सब्जेक्ट में है, कहने का मतलब दो तरह के चार्ज होते हैं, अगर मतलब जो फिजिक्स में पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया। अब ज़्यादा उसको पीछे नहीं जाएंगे, बस दीज रिजल्ट शो चार्जेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, और फर्स्ट टाइप को हमने पॉजिटिव कह दिया, सेकेंड टाइप को निगेटिव कह दिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस इतना समझ लेना है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट था ऐसा, तो एक मटेरियल जब चेक करा तो रिपेल करने लगा, एक अट्रैक्ट करने लगा, और मटेरियल वाइज देखा तो इसका मतलब दो टाइप के चार्ज होते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं, तो उसमें एक को पॉजिटिव कह दिया एक को निगेटिव कह दिया, बस इतनी कहानी है। ठीक है, और उसके बाद तो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो अब ये एक्सपेरिमेंट हो गए, अब रिजल्ट हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं कि हम लोग किस रिजल्ट को फॉलो करेंगे या रखेंगे देखेंगे। तो रिजल्ट नंबर वन, रिजल्ट में फर्स्ट रिजल्ट है लाइक्स चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फर्स्ट रिजल्ट है कि अगर लाइक चार्जेस हो तो वो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, लाइक नहीं लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, सेकेंड है द फोर्स ऑफ रिपल्सन, अच्छा द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक्स और अनलाइक चार्जेस इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स। अब दूसरी एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्टी डिफाइन करना है कि हमने ये तो पता लगा लिया कि क्या घटनाएं होती हैं, लेकिन उससे हमको वो घटना में क्या फोर्स है, उस फोर्स को क्या कहेंगे, वो डिफाइन करा हमने कि जो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स लगता है अनलाइक या लाइक चार्जेस के बीच में, उसको हमने कहा कूलम्ब फोर्स। ठीक है, फोर्स दोनों एक ही हैं, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स हैं, लेकिन एक बार वो रिपल्सन हो जाता है, एक बार अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स होता है वो टू टाइप के थोड़ी है, वो टू टाइप का नेचर उसका टू टाइप का, लेकिन दोनों ही फोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के हैं, मतलब कूलम्ब्स फोर्स है। समझ गए, क्यों एक हैं दोनों, इसलिए कि वो सेम टाइप की इंसिडेंट से आ रहे हैं। किस टाइप की इंसिडेंट, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क से रब करा था, तो रब क्या है, वे है। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एबोनाइट को कैट स्किन से रब किया था, तो उसमें भी रबिंग है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो पहले टर्म बताया था, अब क्लियर हुआ कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का फोर्स कौन सा होता है, कूलम्ब फोर्स होता है। हो सकता है कूलम्ब फोर्स और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हो सकते हैं, कहीं इंडक्शन से आ सकता है, कहीं से आ सकता है, लेकिन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो हम बता रहे हैं उसमें, उसको हमने क्या कहा, कूलम्ब फोर्स का। कूलम्ब फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। खैर, अब थर्ड कंक्लूजन क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज आप रखेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा रिजल्ट, रिपल्सन आएगा। इसी तरह निगेटिव चार्ज अगर रखेंगे तो रिपल्सन आएगा। ठीक, और अगर डिफरेंट रखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव को रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अट्रैक्शन आएगा। ठीक है निपुण, सो थर्ड रिजल्ट पे हम लोग जब आए तो हमने कंक्लूजन मैथमेटिक बना लिया। मैथमेटिक मतलब अब हमने लिखा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और निगेटिव एंड निगेटिव, तो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है ऐसा हमने नोट कर लिया। फिर बट
पॉजिटिव एंड निगेटिव जब रखा तो हमने लिखा अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो रिजल्ट हम फिर से डिफाइन कर लेते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। दूसरा कंक्लूजन है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन लाइक एंड अनलाइक चार्जेस इज कॉल्ड कूलम फोर्स। ठीक, दूसरी डिफिनेशन हमारी क्लियर हो गई, कूलम फोर्स। और थर्ड पॉइंट में हमने मैथमेटिकली लिख लिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे तो रिपेल आएगा, निगेटिव निगेटिव रखेंगे तो रिपेल आएगा, और पॉजिटिव निगेटिव रखेंगे तो अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्ट आएगा। तो ये तीन रिजल्ट एज ए बेस बहुत ज़रूरी थे डिस्कस करने। आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। अब हम इस बेस को हमने क्लियर कर लिया, इसलिए बहुत टाइम दे के क्लियर करा कि हमेशा हम लोग एक्सपेरिमेंट भूले रहते हैं, हम लोग कैलकुलेशन में पढ़े रहते हैं लेकिन बेस हमारा लूज रहता है, कम रहता है। तो आई होप आपको आगे पर जो है सहायता मिलेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फर्दर मोर डिटेल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।